है आपका सामना लाइव न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नया मोहल्ला हिंद पब्लिक स्कूल के बगल में 118 लोगों को वितरित किया गया राशन। छतरपुर, जैसे कि अभी संपूर्ण भारत में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए लोगों को घरों से निकलना नहीं मिल रहा है और लोगों का काम काज ठप पड़ा हुआ है, जिससे गरीब असहाय एवं मजदूरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन की मदद दिखावा बनकर रह गई है। इसी कारण लॉकडाउन के 14वां दिन छतरपुर महिला जागृत मंच के तत्वावधान में भोजन सामग्री वितरित की गई। आप गरीबों के लिए खाना रसद पानी मुहैया करा रही हैं जी, तो इसके बारे में कुछ डिटेल से बताइए जी। ये जो है, ये जो जितने वंचित परिवार हैं, खासतौर पर एकल महिला है, विधवा महिला है और वंचित परिवार है, लोगों की हम लोगों ने सूचीबद्ध किया था और हमारे जो साथी एक्शन एड है हमारा, उनसे हमने बात की, तो ये जो सहयोग आ रहा है वो छतरपुर महिला जागृति मंच के द्वारा वितरण जरूर हो रहा है, लेकिन ये एक्शन एड के साथ एक्शन एड के द्वारा आया है और एक्शन एड को सपोर्ट किया LIC ने, तो 118 लोगों को हम लोग ये अभी दे रहे हैं, जिनकी हमने सूची वहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं, उनके आधार पे 118 लोगों को हम ये राशन दे रहे हैं जो 21 दिन का है, जिसमें 15 किलो आटा है, 15 किलो चावल है, 2 किलो अरहर की दाल है, 2 किलो मसूर की दाल है, 2 किलो शक्कर है, 2 लीटर तेल है, 100 ग्राम नमक और धनिया और वो पाउडर है और साबुन के 5 बट्टियाँ हैं। इस तरह से ये 11 आइटम हैं जो हम लोग दे रहे हैं। जो लॉकडाउन हुआ है अभी, जिससे कि लोगों के पास खाने को स्थिति बिल्कुल बेकार है, वो कम से कम वो अपना घर चला पाएंगे, इसलिए इसमें